इसीलिए आपका पेटीएम पेमेंट बैंक पोस्ट पेड हर बार एक्टिव करने के टाइम पे रिजेक्ट हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको पेटीएम ऐप में जाना है। पेटीएम में जाने के बाद जब आप ट्राई करते हैं पेटीएम पोस्ट पेड लेने का, तब कुछ इस तरह का एरर दिखाता है जो आज इस वीडियो में बताऊंगा, और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आज वीडियो में बता दूंगा। मैं सर्च कर लेता हूं पोस्ट पेड, इधर आ चुका है पोस्ट पेड लोन। पोस्ट पेड लोन पे जब आप क्लिक करेंगे कुछ बफरिंग होगा, और इधर दिखा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर एक क्रॉस लोगो आ चुके हैं, इसके साथ दिखा रहा है वी हैव कैप्चर्ड योर इंटरेस्ट। इसके बाद मैं आपको एक्टिव करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सही तरीके से एक सेल्फी अपलोड करना पड़ता है, आपका खुद का सेल्फी। इसके बाद आते हैं आपका पैन कार्ड वेरीफाई करता है। इसके बाद आपको दिखाता है ये भी कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव अप्रूव पोस्टपेड लोन 1000। फास्ट में ये 1000 देके स्टार्ट करता है। उसके बाद लास्ट में जो आते हैं रिजेक्ट। क्यों होते हैं ये, देखिए ये जो रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट के कुछ कॉज रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी। पहले नंबर पे जो है आप किधर से लोन लिया है कि नहीं, आपका जो पैन नंबर है, पैन नंबर पे आप किधर से लोन लिया है कि नहीं। लोन जब लेते हैं लोन को एक डेट रहता है, उस डेट के अंदर आपको देना पड़ता है। तो उसी टाइम से आप डेट मान के दिए हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहते हैं। सिविल स्कोर जब आप अच्छा रहेंगे तब लोन मिलना, हर बड़ा बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी, जिधर भी बोलिए, अच्छे तरीके से आपको लोन मिल जाते हैं, बहुत इजी में लोन मिल जाते हैं। बट सिविल स्कोर खराब होता है तब, जब आपका लोन चल रहा है और आप सही तरीके से लोन का जो अमाउंट है वो नहीं दे रहे हैं, सही टाइम से नहीं दे रहे हैं, तब आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाते हैं, तब आपको लोन नहीं मिलता है। इसके लिए भी आप पेटीएम पोस्ट पेड में लोन आपको नहीं मिल सकता है। नंबर दो, आपका कुछ भी लोन नहीं है, जैसे मेरा केस में है, हमारा रिजेक्ट हुआ इसीलिए हमारा लोन नहीं है। हम पैन कार्ड देके कभी भी लोन नहीं किए हैं, कार का लोन बताइए, ईएमआई में मोबाइल खरीदना है, बैंक में लोन किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इधर लोन दिखाई नहीं दे रहा है, कंपनी को पता ही नहीं लग रहा है जो ये आदमी लोन अभी तक भी नहीं लिए हैं तो ये क्या करेगा, फ्रॉड कर सकता है, नहीं तो पैसा नहीं देगा, ऐसा इसलिए कुछ सोचते हैं। जो अभी तक इन्होंने लोन नहीं लिए हैं, तो लोन नहीं लिए हैं तो इसको लोन कैसे दिया जाए, तो कैसे हम लोग आइडेंटी कर पाए, तो इसलिए इस केस में भी रिजेक्ट कर देते हैं। नंबर दो पे जो कारण है, दो नंबर कारण, आपका सिविल स्कोर जब लो रहेगा तब आपका पेटीएम जो पोस्ट पेड है वो एक्टिव नहीं होगा। इसके बाद आते हैं जब आपका लोन आपने कभी भी नहीं लिया, इसके पहले आपका सिविल स्कोर ही नहीं हुआ है, तब आपको ये पेटीएम की तरफ से ये जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, कुछ पैन कार्ड देखिए, दूसरी कंपनी में लोन लेना है और उसको सही तरीके से और सही टाइम पे चुकाना है। उसके बाद आपका सिविल स्कोर आप करना है, उसके बाद आप ट्राई करिए। उसके बाद आशा करता हूँ आपका जो ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।